बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्विक बुक्स लर्निंग ट्यूटोरियल के पार्ट टू में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में आपने सीखा कि क्विक बुक्स डेस्कटॉप वर्जन में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि क्विक बुक्स डेस्कटॉप वर्जन में चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसे एडिट कैसे कर सकते हैं और उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, और मैपिंग के बारे में भी आप जान सकेंगे। तो स्ट्रेट अवे ट्यूटोरियल की तरफ चलने से पहले चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसके बाद हम क्विक बुक्स पे चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करेंगे या डिज़ाइन करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी एनजे का ट्रायल बैलेंस है, जिसमें आप इस ट्रायल बैलेंस में आप चार्ट ऑफ अकाउंट को देख सकते हैं। तो अकाउंट्स की बेसिकली पांच टाइप्स हैं, एसेट्स नंबर वन, नंबर सेकंड पे आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज, थर्ड इक्विटी, फोर्थ इनकम एंड फिफ्थ इज एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस। इन टाइप्स की एसेट्स टाइप्स की फर्दर हेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि आप नंबर वन एसेट्स पे देख सकते हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज में देख सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, और इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स। इसके अलावा और भी ओपनिंग इक्विटी और रिजर्व्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन अभी रिटेन अर्निंग्स ही इसमें शो की गई है। इनकम में सेल है, अदर इनकम भी हो सकती है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस। इसके अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट को अब हम अपने क्विक बुक्स में इसकी एंट्रीज करेंगे और इसी चार्ट ऑफ अकाउंट को उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। आपने इसको एंड तक वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वेंडर्स हैं, वेंडर्स पेएबल, कस्टमर पेएबल और कैश इन हैंड, बैंक एंड स्टॉक्स। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले आप क्विक बुक्स की एग्जी को ओपन कीजिए। कैसे ओपन करेंगे, आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं एनजे ट्रेडर्स, पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, इसको क्लोज कर दीजिए। और आप इसमें आप मॉड्यूल देख सकते हैं, मैप जो बना हुआ है, वेंडर, कस्टमर, कंपनी, बैंक एक्सेट्रा। टॉप पे चार टैब्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, लिस्ट। लिस्ट में जाएंगे, नंबर वन चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो नज़र आ रहा है, जिसमें पेरोल, लाइबिलिटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स की जो टाइप्स हैं पांच, एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह, उनको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले नंबर वन पे एसेट्स हैं, एसेट्स को क्रिएट करेंगे। विंडो पे आप राइट क्लिक कीजिए और न्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप टाइप सेलेक्ट करें फिक्स एसेट्स और अपने अकाउंट का नाम एंटर कीजिए, फिक्स एसेट हेड अकाउंट हम एंटर करेंगे, लिखेंगे और सेव कर देंगे। और नंबर टू पे लाइबिलिटीज है, राइट क्लिक करेंगे, नंबर टू एसेट्स, नंबर टू पे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में सॉरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को क्रिएट करने से पहले दूसरा हेड अकाउंट जो है वो करंट एसेट है, वो क्रिएट करेंगे। करंट एसेट टाइप करेंगे, अदर करंट एसेट्स, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज हैं, और इसमें राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को टाइप करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा। यहाँ एंटर करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज है, इसमें क्विक बुक्स में करंट एसेट होते नहीं है, बल्कि अदर करंट एसेट है बाय डिफॉल्ट, और इस तरह अदर करंट लाइबिलिटी है। तो हम करंट लाइबिलिटी का अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके अब करंट लाइबिलिटी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद इक्विटी, इक्विटी राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे इक्विटी, और उसके बाद नेम एंटर करेंगे इक्विटी और सेव कर देंगे। और उसके बाद इनकम है नंबर फोर पे, नंबर फोर पे इनकम एंटर करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनकम को सिलेक्ट करेंगे टाइप्स में, और फिर इनकम नेम लिख के ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट सेव हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एडमिन जनरल एक्सपेंसेस है। न्यू पर क्लिक करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे सिलेक्ट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टाइप करके ओके के बटन पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस में एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस टाइप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो ये टाइप जो है, टाइप में सारे बाय डिफॉल्ट अकाउंट हैं जिसको आपको सिलेक्ट करना होता है कौन सी अकाउंट की टाइप है। इस तरह आपके सारे अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। अब इनके सब अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट्स में आप देख सकते हैं करंट एसेट, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वेंडर्स, एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस, सारे अकाउंट क्रिएटेड है। अब इसमें फिक्स एसेट्स के सब्सिडरी अकाउंट या सब अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर को ऐड करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, फिक्स एसेट्स की टाइप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिक्स एसेट्स इसमें टाइप करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और उसके बाद लिखा हुआ है सब ऑफ, सब अकाउंट ऑफ, किसका सब अकाउंट है, फिक्स एसेट्स का सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करके इसे सेव करेंगे। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग सब अकाउंट है फिक्स एसेट्स का जो हमने क्रिएट किया है। सेकंड है फर्नीचर एंड फिक्सचर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिक्स एसेट्स की टाइप को सिलेक्ट करके इस पर नेम अकाउंट लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर और नीचे सब अकाउंट ऑफ, किसका सब अकाउंट है, फिक्स एसेट्स का है, तो वो सिलेक्ट पहले चेक करेंगे इसको और फिर फिक्स एसेट सिलेक्ट करके सेव कर लें। उसके बाद कैश, करंट एसेट में कैश इन हैंड और मिजान बैंक, कैश एंड बैंक के दो अकाउंट हैं क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट कैश एंड बैंक का एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो इस वजह से आपको करंट एसेट के बजाय इसको अलहदा से क्रिएट करना पड़ेगा। बैंक की टाइप को सिलेक्ट करेंगे और इसमें एक अकाउंट कैश एंड बैंक को क्रिएट करेंगे और इसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, बैंक टाइप सेलेक्ट करेंगे और कैश इन हैंड टाइप करके सब अकाउंट ऑफ, किसका सब अकाउंट है, बैंक का, कैश एंड बैंक का, तो कैश एंड बैंक को सिलेक्ट करके ओके पे सेव कर लेंगे। उसके बाद मिजान बैंक की टाइप को सिलेक्ट किया, मिजान बैंक लिमिटेड को टाइप करेंगे सब अकाउंट ऑफ, किसका सब अकाउंट है, कैश एंड बैंक का, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप मिजान बैंक की डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मिजान बैंक DHA ब्रांच मिजान बैंक इस्लामिक DHA ब्रांच, इसमें लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन में टाइप करने की वर्ड्स की, तो हम इस्लामिक DHA BR लिख लेते हैं ब्रांच को, इसको लिखकर इसको सेव कर लेंगे। और इस पर बैंक अकाउंट नंबर भी आप लिख सकते हैं जो बाद में रेफरेंस में आपको काम आएगा और इसके बाद इसको सेव कर लीजिए। तो दोनों अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं क्यों, और इसके बाद हम अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट करंट एसेट में नहीं लिख सकते क्योंकि ये कनेक्टेड है कस्टमर्स के साथ, जिसको कस्टमर के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट रिसीवेबल, इस पर क्लिक करेंगे। अदर करंट एसेट में अगर आप अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर को सेव इसको क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये कस्टमर का अकाउंट लिंक है कस्टमर्स के साथ, ABC कस्टमर क्रिएट करेंगे और वो इसके साथ लिंक करना होता है जिसको मैपिंग कहते हैं। तो हम अकाउंट रिसीवेबल में इसको क्रिएट करके सेव कर लेंगे और ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट रिसीवेबल टाइप है और आप इसको कस्टमर में जाके इसमें कस्टमर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे ABC और XYZ के 5,000 दोनों के बैलेंस लिखेंगे और फिर वहाँ पे उसका सम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो इस तरह से दूसरा अकाउंट स्टॉक का है, नया अकाउंट बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉक का कोई बाय डिफॉल्ट अकाउंट नहीं है तो हम अदर करंट एसेट पे क्लिक करेंगे टाइप को और स्टॉक का अकाउंट नेम क्रिएट करके सब अकाउंट ऑफ करंट एसेट और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा करंट एस्टिमेट सिर्फ स्टॉक अकाउंट ही क्रिएट हुआ। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की टाइप सेलेक्ट करके लोन फ्रॉम मिजान बैंक लिमिटेड लिखेंगे और सब अकाउंट ऑफ, किसका सब अकाउंट है ये, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, तो वहाँ क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा अकाउंट पेबल,
सेलेक्ट करेंगे वेंडर्स अकाउंट पेबल के लिए, अकाउंट पेबल का की टाइप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पेबल का भी सेपरेट मॉड्यूल है और इसके साथ वेंडर्स के अकाउंट्स लिंक होते हैं। तो जैसे कस्टमर्स का है इसी तरह वेंडर्स का भी मॉड्यूल अलग-अलग होते हैं, इनके पीछे अकाउंट क्रिएट होते हैं वेंडर्स या कस्टमर्स, इस वजह से इसका मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट अलग से बनाया गया। इस वजह से इसे अकाउंट पेएबल की टाइप सेलेक्ट करके वेंडर अकाउंट पेएबल का सेलेक्ट अकाउंट क्रिएट करके इसको सेव कर लेंगे। और इसके बाद वेजेस पेएबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अकाउंट है पेरोल लाइबिलिटीज़ का, इसका भी पेरोल का एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, अगर चाहें तो आप इस तरह से चला सकते हैं। तो इसको एडिट करेंगे और इस पे हम वेजेस पेबल का अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अगर आप चाहें तो पेरोल का मॉड्यूल चला आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अलहदा से एक अकाउंट सिंगल एंट्री से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा इक्विटी का अकाउंट है रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, जिसको आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट होता है ये। तो इसमें आप इक्विटी को सिलेक्ट करेंगे, सब अकाउंट बनाएंगे तभी अकाउंट नहीं बनेगा, अभी सेपरेट अकाउंट। और देख सकते हैं कि उसने सेव नहीं किया, और ये स्पेशल अकाउंट होता है तो इसको इसी तरह सेपरेट रहने देंगे। और ओपनिंग इक्विटी का एक अकाउंट है जिसको हम इक्विटी के अकाउंट में सेव कर लेंगे, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया गया, लेकिन हम इसको बाय डिफॉल्ट अकाउंट है इसको सेव कर लेंगे। और नेक्स्ट अकाउंट सेल का है, इनकम सेल अकाउंट, सब अकाउंट ऑफ इनकम, इसको भी सेव कर लेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस का है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये बाय डिफॉल्ट है, तो इसको हम सिर्फ एडिट करेंगे और नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम को का अकाउंट हम क्रिएट कर देते हैं, और सब अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको सेव कर लेते हैं। और सेकंड जो है कॉस्ट ऑफ लेबर है, हमारे पास दो और अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड हैं जो हम इस यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको इन अकाउंट्स एडिट करके इसे इनएक्टिव कर देंगे, और इनएक्टिव कर देते हैं अकाउंट नेम रिमूव करके, और इसको एक्टिव इनएक्टिव कर दें। और इसी तरह क्योंकि इसमें डिलीशन का ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अकाउंट आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको इनएक्टिव ही करना होता है, तो वेयर हाउस को के अकाउंट को भी हम इनएक्टिव पे क्लिक करके एडिट पे जाएंगे और इनएक्टिव पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और इनएक्टिव हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लेबर का अकाउंट जो है, हमने उसी लेबर कॉस्ट को एडिट करके कॉस्ट ऑफ लेबर अकाउंट क्रिएट कर दिया है, और इसका सब अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना दिया है और इसे सेव कर। तो इस तरह से हमारे ये दोनों अकाउंट क्रिएट हो गए। उसके बाद एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस में न्यू पे क्लिक करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फैक्ट्री ओवरहेड का भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। आप देख सकते हैं नेक्स्ट ओके कैंसिल नेक्स्ट के नीचे इनएक्टिव का साइन है, कोई भी अकाउंट अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके ओके पे दबाएं, बटन को क्लिक करें तो आप इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। खैर ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का भी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमारे पास सेल्स टैक्स पेएबल का एक अकाउंट ऑलरेडी डिफाइंड है, इसे हम करंट लाइबिलिटीज के अकाउंट में सेव कर लेते हैं, इसे इनएक्टिव नहीं करेंगे बल्कि हम इसको सेव कर लेंगे बाय डिफॉल्ट अकाउंट, जो कि बाद में आपको फर्दर जब आप स्टडी करेंगे इसको देखेंगे तो आपको उसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। इसके अलावा वेंडर रिफंड्स है, वेंडर रिफंड्स के अकाउंट को भी ये बाय डिफॉल्ट है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। और इसमें पेरोल एक्सपेंसेस है, पेरोल एक्सपेंसेस को एडिट करेंगे, ये भी बाय डिफॉल्ट अकाउंट है, इसमें पेरोल का पीछे मॉड्यूल है, इसको हम सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस का नाम क्रिएट करके इसको एक्सपेंसेस का एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट बना, और ये हमने सेव कर लिया। और इसके अलावा और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाए जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। एडिट करने का बहुत आसान तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और एडिट के बटन पर क्लिक करके आप इसको कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे अकाउंट हैं, अगर आप चाहें तो इसका चार्ट ऑफ इनका ओपनिंग बैलेंस भी एंटर कर सकते हैं,
जैसे कि आप देख सकते हैं वेजेस पेएबल 3000 है, वेजेस के अकाउंट को एडिट करेंगे और 3000 ओपनिंग बैलेंस में लिख के इसको सेव कर लेंगे। और बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जिनके आप ओपनिंग बैलेंस नहीं बना सकते, जैसे वेंडर, कस्टमर और बैंक्स हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनके बैकएंड पे आपको कस्टमर क्रिएट करने होते हैं। आप देख सकते हैं कस्टमर के जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। और मिज़ान बैंक है जैसे ये अकाउंट, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। और इसके अलावा वेंडर्स अकाउंट पेबल कस्टमर, ये देखें ओपनिंग बैलेंस कहीं पे शो नहीं। तो ये इनके बैकएंड में, क्योंकि कस्टमर और वेंडर्स डिफाइन होते हैं और उनके अलग-अलग बैलेंस होते हैं जो एक्यूमुलेट होकर इस अकाउंट में समाप्त होते हैं, इस वजह से डायरेक्ट ओपनिंग अकाउंट नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं बन सकता, बल्कि कस्टमर और वेंडर्स के ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। आप देखें कस्टमर के मॉड्यूल में आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, एबीसी और एक्स वाई जेड 5000 आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, और जब इसको सेव करेंगे तो उसका टोटल 10000 रुपये इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा आपके इसके बैलेंस में। इस तरह वेंडर्स में, वेंडर्स के मॉड्यूल में वेंडर सेंटर में जाएंगे और इसमें बहुत सारे इनके अकाउंट्स होंगे, सी डी ई एफ जी एच वेंडर्स अकाउंट 2000 ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टोटल 4000 और 4000 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह स्टॉक है, स्टॉक में अगर आप जाएंगे तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, लेकिन इसके लिए हम लिस्ट में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट की, और उसकी न्यू प्रोडक्ट क्लिक करके उसके आइटम की हर आइटम को क्रिएट करेंगे और उनका ओपनिंग बैलेंस लिखिए, और 1, 2, 3 आइटम्स का टोटल बैलेंस 1000, 2000, 3000 एक्यूमुलेट होकर फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इनके बैकएंड पे इन्वेंट्री जनरेट होगी। तो इस तरह से आप चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान और सिंपल वीडियो है और बहुत इजी आपको इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो ये बड़ी एक सिंपल और आई थिंक वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपनी क्वेरी एंड रिमार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और इसे वैल्यूएबल समझें तो दूसरों के लिए को शेयर करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए एंड ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।